सो दोस्तों, बैंक निफ्टी आ चुका है 38,300 के आसपास और निफ्टी ने टच कर दिया है 18,000 का लेवल। अब दोस्तों क्या करना चाहिए आपको, कल की क्या रणनीति होनी चाहिए? देखा आज आप लोगों ने, मैंने बैंक निफ्टी का 38,200 का पुट ऑप्शन दिया था, तगड़ा मोमेंटम मिला। जानना चाहते हो कल कौन सा पुट ऑप्शन, कौन सा कॉल ऑप्शन लेके चलें? वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, मजेदार होने वाली है। अगर आप सीखना चाहते हो कि भाई एनालिसिस कैसे किया जाता है, मार्केट में पैसा कमाया कैसे जाता है, ये वीडियो बनी है आपके लिए। जी हाँ, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और दो स्टॉक बताऊंगा जो कि बहुत शानदार धमाकेदार परफॉर्म करने वाले हैं कल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो का लाइक हम रखते हैं 2100 लाइक। आई होप आप लोग कंप्लीट कर देंगे, बिकॉज दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम समझते हैं पहले बैंक निफ्टी का व्यू। सो आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ये जो रेंज बना रहा था, उस रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है। हमने जो एनालिसिस कल की थी एग्जैक्टली सही रही, हमने आपको बाइंग के लिए रणनीति दिया था, और एग्जैक्टली आज बैंक निफ्टी में 625 पॉइंट की हमको रैली देखने को मिली। हिट द लाइक बटन इसके लिए, ठीक है। सो अभी देखो, अभी बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देखे गया है इस वाले रेजिस्टेंस का, इस वाले कंसोलिडेशन का, ठीक है। ये आप क्लियर कट आप एक कंसोलिडेशन देख पा रहे होंगे, ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे चुका है। नाउ इट इज, अब बैंक निफ्टी कल के डेट में जब तक 38,260 के ऊपर रहता है, बाय करके चलना है 38,260। ओके, यहां पे एसएल होगा 70 पॉइंट्स का, टारगेट वन होगा आपका 38,500, टारगेट सेकंड 38,700। ये दो टारगेट होंगे बैंक निफ्टी के दोस्तों, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, कुछ सॉर्ट ऑफ सेटअप बनने दीजिएगा, कुछ हैमर वगैरह बनने दीजिएगा, रेंज बनने का ब्रेकआउट होगा, तो बाय करके चलिएगा दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखिए कल के बैंक निफ्टी की रणनीति में। कल 38,200 का आप कॉल ऑप्शन उठा के चल सकते हैं, बहुत बढ़िया मोमेंटम दे देगा आपको 13 जैन वाला एक्सपायरी का, ठीक है। ऑलराइट, अब मान लीजिए अगर ऐसा ना होता है, मान लीजिए अगर नीचे नहीं आता है और हमको ये रेंज का ब्रेकआउट देता है, ये रेंज कितना है प्रीवियस डे हाई, दैट मींस 38,400 सस्टेन होता है, तो आराम से आपको 38,600 तक के हमको टारगेट देखने को मिल जाएंगे, फिर बैंक निफ्टी शूट अप करके निकल जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये रणनीति है बैंक निफ्टी, अगर ये टूटता है तो आप 38,300 का कॉल ऑप्शन 13 जैन वाला आप चूज करके चल सकते हैं। ऑल राइट दोस्तों, अगर मैं आपको वन डे का चार्ट दिखाऊं, देखो भाई वन डे के चार्ट पे ये जो दो कंसोलिडेशन हुआ था ना, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो चुका है। यही मैंने आपको डिस्कस किया था, कोई यूट्यूब पर नहीं बताएगा, सब लोग आपको आपको बाय अबव सेल बिलो का राय देते हैं। एग्जैक्टली मैंने आपको बताया कि देखो भाई आपको बाय करके चलना है, ये आप रेंज देख सकते हैं, इसका ब्रेकआउट है। अब बैंक निफ्टी थोड़ा रेंज बना बना के ऊपर चलने वाला है। ऑल राइट, चलिए जानते हैं निफ्टी का व्यू। तो निफ्टी में भी हमारी एनालिसिस बिल्कुल एक्यूरेट रही, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं बेसिकली रेंज था डेली के चार्ट पे, ब्रेकआउट हो चुका है, यहां पे दो इनडिसाइसिव कैंडल बनी थी और आज एग्जैक्टली बुलिश हैमर कैंडल बन चुकी है। नाउ इट मींस निफ्टी इज रेडी टू गो अप, ठीक है। अब देखिए जो निफ्टी में ये जो पैटर्न बना, इस पैटर्न का निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया, नाउ दैट मींस निफ्टी इज रेडी टू गो अप, ठीक है। निफ्टी अब ऊपर जाने को रेडी हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो हमको बाय करके चलना है निफ्टी में, पता है कितने के ऊपर, लेट मी शो यू दोस्तों। सो ये देखो रेंज का ब्रेकआउट तो हो ही गया, हमको बाय करके चलना जब तक हमारा निफ्टी 17,980 के ऊपर रहता है, 17,980। एसएल 30 पॉइंट्स का एज यूजुअल मैं रखता हूं, बिलीव रखता हूं, टारगेट वन होगा 18,050, टारगेट सेकंड 18,100, ये होगा दो टारगेट। 18,000 के कॉल ऑप्शन पे आप ख्याल रख के चल सकते हैं 13 जैन वाले एक्सपायरी का, ठीक है। और 17,900 का भी कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं 13 जैन के एक्सपायरी का, ठीक है। आई होप आप समझ चुके हैं निफ्टी का व्यू। देखो निफ्टी तो अभी भागना और बाकी है, ठीक है, सही बताऊं तो मैं आपको, क्योंकि दोस्तों निफ्टी ना ये देखो रेंज का भी तो ब्रेकआउट दिया ही है, ये देख रहे हैं आप, ये तो ब्रेकआउट दिया ही है, अब ये ऊपर जाने को रेडी हो जाएगा, ठीक है। सो लीड करेंगे लार्ज कैप्स, ठीक है, और आपको पता है बुलिश हैमर बना चुका है, दैट मींस बुलिश हैमर का अगर हाई सस्टेन होता है, हाई कितना है 18,016 का लेवल,
18,016 का लेवल जितना सस्टेन होगा, 10 से 12 मिनट सस्टेन होगा ना, मैं बता दूं आपको 18,100 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो रेडी हो जाइए आप कल एक अच्छी खासी तेजी के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोस्तों। ऑल राइट दोस्तों, इस वीडियो के बाद एक वीडियो आने वाली है जहां मैंने बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन में मैंने प्रॉफिट किया, उसके पीछे क्या रीजन था मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उस वीडियो में, तो वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए जानते हैं पहले स्टॉक के बारे में। जो पहला स्टॉक है उसका नाम है HAL, बाय करके चलना है। बाय करके क्यों चलना है, क्योंकि देखो वन डे के चार्ट पे ना इसने ब्रेकआउट दे दिया दोस्तों। हिट द लाइक बटन अगर आपने HAL में प्रॉफिट किया, क्योंकि आज हमने आपको इंट्राडे में दिया था बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। देखो ये रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है, तो हर पैमाने का ब्रेकआउट है HAL में। नाउ टुमारो कल के लिए क्या करके चलना है, बाय करके चलना है 1300 के ऊपर, बाय अबव 1300 SL would be 1292 का टारगेट वन होगा 1315, टारगेट सेकंड होगा 1330 का, ये दो टारगेट होंगे। लास्ट स्टॉक जाने उससे पहले हाय गाइस, अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉस कर रहे हैं तो आपको ये तो देखो जरूर पता लग गया होगा कि भाई केवल टेक्निकल पढ़ लेने से मार्केट में पैसा नहीं बनता है। दोस्तों अगर आप ट्रेड लेने के बाद बीच में डर के मारे निकल जाते हैं और बाद में आपका टारगेट अचीव होता है, और अगर आप ट्रेड ले तो लेते हैं बट भाई निकलना कहां है, कहां एग्जिट करना है, इसमें अगर आपको डिफिकल्टी आती है तो माय डियर फ्रेंड्स आपको जरूरत है मार्केट सीखने की। पहले दोस्तों यहां पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारा ऑनलाइन स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 14th of January से। सो इफ यू वांट टू बिकम प्रो ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, सो आप हमारा ये ऑनलाइन स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों बाकी जगह क्या होता है, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस और पीपीटी देके छोड़ दिया जाता है, बट यहां पे मैं ऑनलाइन लाइव आके बताने वाला हूं, चीजों को सिखाने वाला हूं। सो अगर आप अपनी सीट बुक करवाना चाहते हैं, आप इस दिए हुए बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं और अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा क्लास में। थैंक यू वेरी मच। 14th of January के ट्रेनिंग बैच के लिए, एडवांस ऑनलाइन क्लास के लिए महज 5 दिन बच गए हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम, बुक योर सीट राइट नाउ। लास्ट स्टॉक है टाइटन को दोस्तों मैंने कई बार आप लोगों को दिया है, तो स्क्रीन के सामने आप लोगों को हमारे टेलीग्राम स्टॉक्स के परफॉर्मेंस दिख रहे होंगे। आज तो हमने बहुत बढ़िया ट्रेड दिया, तो उसके बाद हमने आपको बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन दिया था 38,300 का, झकास गया 500 का, ऑलमोस्ट 560-570 के आसपास गया था, बहुत अच्छा ट्रेड रहा। तो मैं कहना चाहूंगा अगर आपको क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी ट्रेड और क्वालिटी एजुकेशन लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। ऑलराइट चलिए, सो जानते हैं लास्ट स्टॉक टाइटन, लास्ट स्टॉक है ठीक है, हमने कई बार आपको दिया भी है। देखो ब्रेकआउट हो चुका है, ये काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न ठीक है, ये वाला ब्रेकआउट ठीक है, तो हमको कल के रेट में क्या करके चलना है, लेट मी शो यू दोस्तों। सो हियर इटसेल्फ यहां बाय करके चलना है, बाय अबव 2663 ठीक है, बाय अबव 2663 SL वुड बी 2653, टारगेट वन वुड बी 2695 का, टारगेट सेकंड 2700 का, ये दो टारगेट होगा टाइटन में। ऑल राइट दोस्तों, सो ये है हमारे दो स्टॉक जो कि कल आपको बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। आप लोग इसमें अपना प्राइस एक्शन, अपना एनालिसिस जरूर पुट ऑन करिएगा, मैं चाहूंगा ठीक है। बाकी आई होप मजा आया होगा, सीखा होगा बहुत कुछ, क्वालिटी कंटेंट मिला होगा, अगर मिला यार हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए देख रहे हो। मेरे को पता है बहुत सारे लोग, मोर देन 50% लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्या हो गया, कर दो भाई। सो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।